हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको यूथ मोबिलिटी वीज़ा से लेके जो स्टेटमेंट है, एक्सपेंडिचर है, बैंक लेटर क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट कैसे शो करनी है, सब कुछ मैं आज आपको मनी से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैं आपको स्टेज बाय स्टेज बताऊंगी कि हर एक स्टेज में क्या होता है। तो जो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है बैलेट में एंटर करना। जब बैलेट में एंटर करते हैं तो आपको एक भी सिंगल पैनी खर्च करने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। और ये चीज़ बहुत अच्छी भी है, बहुत ख़राब भी है। अच्छी इसलिए कि हर किसी को मौका मिलता है कि हाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। ख़राब इसलिए कि जो लोग एलिजिबल नहीं भी हैं, 12th पास भी हैं, उन लोगों ने भी अप्लाई कर दिया है, तो अगर वो लोग सिलेक्ट होते हैं तो वो सीट भी बर्बाद जाएगी और वो उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 12th के बेसिस पे आपको वीज़ा नहीं मिल पाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे कहने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको फर्स्ट स्टेज यानी बैलेट में एंटर करने के लिए एक भी सिंगल पैनी खर्च करने की नीड नहीं है। जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पर कि फिनेंशियल एविडेंस शो करने के लिए कह रहा है कॉन्टिन्यू करने के बाद में, तो कॉन्टिन्यू करने के बाद की स्टेज पर तो आपको जाने की नीड है ही नहीं। ये मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी है, बहुत सारी वीडियोस में भी बताया है कि नहीं, आपको कंटिन्यू के आगे जाने की नीड नहीं है क्योंकि फिनेंशियल एविडेंस की अभी स्टेज नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस में भी आपको फिनेंशियल एविडेंस की नीड नहीं है। ये मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। जैसे कि अभी आप लिंक पर देख सकते हो कि आपको बैलेट में एंटर करने के लिए सिर्फ कुछ चीज़ें चाहिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, आपके पासपोर्ट की स्कैन फ़ोटो और ईमेल। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि बैलेट में एंटर करने के लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की नीड नहीं है क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया था कि उनसे किसी एजेंट ने बोला कि 1,00,000 रुपये मांगे हैं, 400 एम्बसी की फ़ीस मांगी है, जो कि पता नहीं कौन है वो लोग, कहाँ से क्यों मांगा, बट अगर आपने पे किया है तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। भी तो वो स्टेज है भी नहीं, ये तो सिर्फ एक लक वाला सिस्टम है ना। उस सेकेंड स्टेज के बारे में आपको बताती हूँ। सेकेंड स्टेज है जब आपका मेल सक्सेसफुल कराता है, जब सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैंने इसको लेके ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है कि सक्सेस का मेल कैसा दिखता है और जैसे ही अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको 30 डेज़ मिलते हैं, जैसे कि यू कैन सी 30 डेज़ मिलते हैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, अपनी वीज़ा की जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको पे करने के लिए, IHS को पे करने के लिए आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है जो कि सफिशियंट है। लेकिन जैसे ही आपको सक्सेस का मेल आता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी विद इन 3 डेज़ और 4 डेज़ अपने अकाउंट में आप 2530 pounds का जो अमाउंट है वो आप डलवा दीजिए। आपको ये अमाउंट बिल्कुल भी एप्लीकेशन जो के जो 30 डेज़ होते हैं उनमें बिल्कुल भी शो नहीं करना है। इवन मैं आपको इसको बताती हूँ क्योंकि एक जगह पे लिखा भी हुआ है उसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उसी पेज पे, कि आपको 31 डेज़ जो आपने अप्लाई किया है तब तक आपके 28 डेज़ की स्टेटमेंट होनी चाहिए। यानी कि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बीच में बिल्कुल भी ये जो एविडेंस है वो शो नहीं करना। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि आप किस बैंक में मेंटेन कर रहे हो, दैट्स इट। तो 2530 जो पाउंड होता है वो कुछ 2.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि एटलीस्ट आप 3 लाख का अमाउंट जो है वो आप मेंटेन करो क्योंकि जो 3 लाख का जो है वो सेफ साइड में रहेगा कि अगर पाउंड की वैल्यू इंक्रीज़ भी होती है तो आप शॉर्ट ऑफ जो फंड्स हैं वो नहीं रहो। फर्स्ट चीज़ तो ये कि आप अपने अकाउंट में जितना जल्दी 3 लाख मेंटेन करना स्टार्ट कर सकते हो आप कर दीजिए क्योंकि स्टेटमेंट बनने में भी 28 दिन का टाइम लगता है। अब उसी वेबसाइट पे एक जगह पे लिखा है कि यू शुड हैव 2530 pounds सेविंग्स टू सपोर्ट योर एक्सपेंसेस। तो वो सेविंग्स को लोगों ने क्या समझा है कि वो सेविंग अकाउंट में आपको शो करना है, बट ऐसा नहीं है। आपको जो है वो आप सेविंग जो अपनी शो करनी है वो आप FD में शो कर दो, सेविंग अकाउंट में शो कर दो, करंट अकाउंट में शो कर दो। ये सारे के सारे जो मेथड है वो एक तरीके से लीगल है। आप बिटकॉइन में शो नहीं कर सकते, स्टॉक्स में शो नहीं कर सकते। सेविंग अकाउंट, FD और करंट अकाउंट बिल्कुल एक तरीके से मान्य है, रिकॉग्नाइज्ड है, बिकॉज वो जो मनी होता है वो कभी भी आपका कैशेबल होता है, आप कभी उसे कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। कौन से अकाउंट में, कौन से बैंक में आपको पैसे मेंटेन करने हैं, सीरियसली मैंने इसको थोड़ा सर्च भी करने की कोशिश की है लेकिन ना एक एग्जैक्टली जो रिकॉग्नाइज बैंक की जो लिस्ट है मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अच्छे बैंक में, क्योंकि जब मैं स्टडी वीज़ा के लिए आई थी यही चीज़ मुझे भी एजेंट्स ने सजेस्ट की थी, तो यही चीज़ मैं आपको फर्दर पास ऑन कर रही हूँ कि किसी अच्छे बैंक में, जैसे
HDFC हो गया, ICICI, SBI, PNB, कुछ इस टाइप के बैंक में अपनी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो आप मेंटेन करो, जैसे RBL हो गया, और भी कई सारे ऐसे बैंक हैं जो रिकॉग्नाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है, सो बी ऑन द सेफर साइड की। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया 3 लाख रुपीज़, आपको इनको निकालने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, आप इनको अपने अकाउंट में रखो, इनको सेव, ये एक तरीके से एक्सपेंडिचर नहीं है, ये बस आपकी सेविंग है जो आपको अपने अकाउंट में शो करनी है। अब ये जो अमाउंट है वो कब आप निकाल सकते हो, मैं आपको सजेस्ट पर्सनली ये करूँगी कि आप BRP कार्ड यहाँ पे आने के बाद में जब ले लोगे BRP कार्ड, तब आप इस सेविंग को निकालना, तब आप इस पैसे को निकालना, क्योंकि इससे शो कर करता है कि ये आपका पैसा है, क्योंकि आपको इमिग्रेशन में भी जाना है, इमिग्रेशन के टाइम पे भी ये चीज़ कभी कभार पूछी जा सकती है कि हाँ आप कैसे सेव कर रहे हो और आपके पास कितना फ़ंड है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इसको BRP लेने तक तो बिल्कुल मत निकालो, जैसे मैंने अपने फ़ंड्स जो हैं वो BRP के बाद भी 2 महीने तक निकाले नहीं थे, मैंने अपने पास ही रखे थे, बट मैं आपको 2 महीने का टाइम तो नहीं सजेस्ट करूँगी आपका, बस ये है कि BRP एक बार करेक्ट कर लो। अब ये आपका एक था, सेकंड आपका है आपकी जो एक्सपेंडिचर एक्चुअल में है वो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस और IHS। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो इसी टाइम पे की जाएगी 30 डेज़ के अंदर अंदर में, वो आपकी होगी £259, और आपका जो IHS होगा जो हेल्थ का इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है वो आपका £470 पर ईयर है, £470 यानी 2 साल का आपका £940। तो इसको आप अराउंड में आपको बोलूँगी कि ये 1,50,000 के अंदर में ये आपके दोनों खर्चे कवर हो जाएंगे, तो ये कोई बहुत बड़ा खर्चा बिलीव मी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए लोग बहुत बहुत खर्चा करते हैं, ये एक छोटा सा सेक्रीफाइस है जो आप लोग कर सकते हैं अगर आपका सक्सेसफुल बैलेट में हो जाता है तो। अब जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इसी में आपको डेट चूज़ करने के लिए मिलती है कि आप कौन सी डेट में अपना जो वीज़ा की जो डेट है वो आप एक तरीके से, कुछ उनकी तरफ से भी ऑप्शंस होते हैं लेकिन उनको आप चूज़ कर सकते हो। अब इसमें ये अच्छी चीज़ आपके लिए इसलिए है कि एटलीस्ट जब आपको लगता है कि मेरे 30 डेज ओवर होंगे जो स्टेटमेंट के हैं, मैं तभी उस डेट को चूज़ करूँगा, लेकिन उसको आप बहुत डिले भी नहीं कर सकते, क्योंकि एप्लीकेशन के कुछ ही टाइम के बाद में आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको वीज़ा की जो डेट है वो लेनी पड़ेगी। तो लेकिन आपको एक तरीके से ऑप्शन है कि आप डेट चूज़ कर सकते हो, तो जब आपको लगता है कि आपकी 30 डेज की 35 डेज की स्टेटमेंट पूरी हो रही है, तो आप उसके बाद की अपनी जो है वो वीज़ा की अपॉइंटमेंट डेट लो। तो एक तरीके से सारी चीज़ें आपके हाथ में ही हैं। थर्ड स्टेज है वीज़ा फाइल करने के लिए। अब वीज़ा फाइल करते टाइम कोई भी एक्सपेंस नहीं है, कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं है, शायद वहाँ पे जाके वो आपसे कौन सी आप सर्विस लेते हो या फिर आप कोरियर करवाना चाहते हो उसके लिए कुछ अमाउंट वो लोग मांगते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक्सपेंस उस टाइम पर आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस ऑलरेडी पे कर दी है। इसको लेके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर हर एक स्टेज की, सो गो चेक दैट आउट, दैट इज़ लाइक वेरी गुड वीडियो, आपको एक ही जगह पे कंपाइल्ड सब कुछ मिल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। इसमें जो आपके मनी से रिलेटेड चीज़ है वो आपका बैंक लेटर और आपकी बैंक की स्टेटमेंट। अब आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप बैंक की जो स्टेटमेंट है वो अपनी 28 डेज की ना निकलवाएं, 30 डेज़ की निकलवाएं, क्योंकि 30 डेज़ की स्टेटमेंट आपको जैसे 1 जुलाई तक, तो मतलब एक तरीके से 30 डेज़ का आपको इस तरीके से रखना है। और इस बैंक स्टेटमेंट को आप स्टैम्प भी करवाएं, क्योंकि ये वो वाली स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते जो आप डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन, वो नहीं आपको यूज़ करनी, आपको जो यूज़ करनी है वो प्रॉपर आपको बैंक से जाके उनसे निकलवानी है, उनके लेटर हेड पे उनसे स्टैम्प करवानी है। साथ में आप एक बैंक लेटर निकलवाएंगे। अब जो बैंक लेटर है वो मैंने अभी तक इसमें कहीं भी नहीं लिखा देखा, ना ही स्टूडेंट वीज़ा में देखा, लेकिन अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे, किसी भी डिपेंडेंट से पूछेंगे, कोई भी जो यहाँ आने के लिए स्टेटमेंट लगाता है वो हर कोई बैंक लेटर लगाता है। अब यहाँ पे मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आपको हर एक जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरीके से आपको बताऊँ, तो बैंक लेटर एक सेफर साइड के लिए है। जो मैंने अपना बैंक लेटर लगाया था वो इट्स अ बिट पर्सनल, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक सैंपल दिखाती हूँ जो आप इस तरीके से का कुछ बैंक लेटर उनसे बनवा सकते हैं। जो आपका बैंक लेटर होता है वो आपको लेटर हेड के जो बैंक का जो लेटर हेड होता है उस पर निकलवाना है, बैंक का एड्रेस हो, बैंक की ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें हों, और उसमें सारी चीज़ लिखी हो कि हाँ इसने इतना पैसा होल्ड करके रखा था अपने इस अकाउंट नंबर में, ये कैशेबल मनी है, स्टैम्प उसमें आप करवाएंगे, साइन उसके ऊपर से जो होता है वो करवाएंगे। ये एक पैटर्न है जो मैंने आपको इसमें शो करा है। ऑब्वियसली मेरा सिर्फ इतना है कि अगर आप स्टेज तक पहुँच जाते हो तो ये ना हो कि किसी चीज़ की कमी की वजह से आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट हो जाए, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अच्छे बैंक में जाओ, अच्छी तरीके से बैंक लेटर निकलवाओ, ये निकलवाओ,
तो ये मेरा मेन पर्पस था। आज इस वीडियो में मैंने बैंक की चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें बता दी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो डू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई एम हियर फॉर यू एंड आई एम गोना आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।